एंजाइटी ऐसे बिल्कुल ऊपर मेरी चढ़ गई, बिल्कुल पेट पे आ गई मेरी एंजाइटी। ऐसे ऐसा लग रहा था एक छोटी सी बॉल है जो मेरे ना पेट में जाके ऐसे कभी बड़ी हो रही है, फिर छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, तक 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 ऐसे चल रहा था। पता नहीं क्या सीन है, बट जितना कम सोचेंगे इसके बारे में उतना ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो इस बारे में नहीं सोचना, इस बारे में बात भी नहीं करते, बट और कुछ चल भी नहीं रहा है यार, और कुछ चल भी नहीं रहा है। एक तो सीन ये है ना, और कुछ चल भी नहीं रहा है, दिक्कत ये है, कुछ और चल ही नहीं रहा है। क्या बात करूं मैं तुमसे, ये बात करूं, हाँ भाई बता दो पेपर कैसे गए तुम्हारे, हाँ बताओ पेपर तो हो गए, तुम्हारे पेपर डिले कर दिए। जब ये शुरू हुआ था ना, मैं सोच रहा था कि साले मैं क्यों नहीं हूँ स्कूल में, मेरे क्यों नहीं हो रहे पेपर डिले, काश मैं होता तब स्कूल में। मैं ऐसे सोच रहा, हाँ अब मजे आ रहे होंगे यार स्कूल वालों के, तो फिर मैं देखी सबके सबके पेपर डिले पे डिले पे डिले। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अजय नागर तेरा भाई है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मेरा भाई नहीं है यार, वो मेरा लंगोटी यार है। ऐसे समझ कि मैं और वो एक ही बंदे हैं, ऐसे सोच तू, बिल्कुल हम इतना क्लोज हैं। मतलब मान ले तू एक जिस्म एक जान ऐसे। और बताओ यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है यार अभी ना, मैं मतलब ऐसे बैठा हूँ। अभी 10 बजे अपन स्ट्रीम करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, उससे पहले मैंने सोचा कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मतलब। अब ना मेरी फोटोज भी खत्म हो गई हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ भी डालने को नहीं। अभी मैंने एक फोटो डाली है, बस खत्म है, उसके बाद सीधे न्यूड्स आती है, नंगी फोटो पड़ी है मेरे फोन में भर भर के, अपनी यूं ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए। वो वैसे वाले पोस्ट देते हैं ना कि ये बॉडी वो बॉडी है कुछ नहीं, लेकिन तब भी ये बॉडी वो बॉडी, तो वो वाली फोटोज पड़ी। उसके बाद और कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब मेरा पूरा इंस्टाग्राम ना खाली हो गया लिटरली। भाई एक वर्ड टिकटॉक वाली दीदी के लिए, नहीं भाई अब मैं बोल चुका हूँ, मेरी वीडियो हो गई, अब मैं नहीं बात कर रहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? मैं कुछ अब नेक्स्ट चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, मैं अब हो गया ना वो, अब आगे बढ़ेंगे हम, तुम मज़े लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये आई एम विवू ब्रेजर्स क्यों लिखा है तूने, इसका क्या पॉइंट है लिखने का? क्या मैं ब्रेजर्स की बात कर रहा हूँ? क्या मैं ब्रेजर्स से बिल्कुल भी रिलेटेड हूँ? तू ब्रेजर्स क्यों लिख रहा है? ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ भी नहीं करना है तो कुछ भी लिख दो, ऐसे ब्रेजर्स तुम नहीं लिख सकते हो। बताओ जी बताओ, असैसिन्स क्रीड वालहाला का ट्रेलर कैसा लगा? देखने में तो बहुत सही लग रहा है, देखने में तो काफी सही लग रहा है। मैंने वाइकिंग्स, अगर तुमने वाइकिंग्स देखा है क्या? अगर तुम लोगों ने वाइकिंग्स देखा होगा नेटफ्लिक्स, संदेह हो आस्था नरिंगंदरा। बस अभी कौन सा असासिनेशन क्लासरूम देख रहा हूं मैं, बाकी सारे तो मैंने पेल दिए, सारे शोज पेल चुका हूं मैं, जो जो इंटरेस्टिंग है सब पेल चुका हूं मैं, लिटरली एक शो नहीं छोड़ा है मैंने। अगर तुम्हारे पास कुछ है, मैं रोज ना ऐसे रात को ना, मैं और मेरा भाई बैठते हैं और डिसाइड करते हैं हम क्या देखेंगे, और हम पता है क्या डिसाइड करते हैं? कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओ सुपरस्टार आशीष ब्रदर, मेरा मेरा सिंधी भाई, मेरा सिंधी भाई, तू प्यार है मेरा सिंधी भाई। हाँ तो मैं और मेरा भाई बैठते हैं रात को और हम बस सोचते हैं यार हम क्या देख सकते हैं, तो एक एक करके हम टर्न्स लगाते हैं अपनी, कि नहीं पहले तू देखेगा फिर मैं देखूंगा, फिर तू देखेगा फिर मैं देखूंगा, कि डिसाइड कर लेते हैं पहले मूवी कौन सी देखनी है। तो मैं कोई साईफाई सी मूवी ढूंढता हूँ और उस पर कोई काम नहीं है, वो हमेशा उसका हमेशा का एक ही है, वो हमेशा का एक ही है, उसे पुरानी मूवी देखनी है। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग जो पुरानी मूवी देख के नॉस्टैल्जिया लेते हैं ना, ठीक है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तुम लो यार पूरी लो, पूरी लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यहाँ पे आती है यार, देखो अब मूवी देख रखी है ना, वो कितनी बार देख लोगे? अब मूवी जैसे हेरा फेरी होगी फिर हेरा फेरी होगी, वो तो भाई बहुत बार देखी जा सकती है, वो तो हाँ रिपीटेशन है। अभी तुम कभी खुशी गम को कितनी बार ही देख लोगे यार? और बताओ जी क्या चल रहा है लाइफ में सबकी? ब्रो क्रेजी, अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रोहित ऑन वेब, कमाल की लीड टिकटॉक वालों की, अरे थैंक यू सो मच। द एंगेजमेंट देख लो फिर एंड, भाई हम नहीं बात करते यार इन चीज़ों के बारे में, हमें शौक नहीं है इन चीज़ों के बारे में बात करने का, हम अपना मस्त रहते हैं, हम मज़े लेने आए हैं यहाँ पर, हम मज़े लेते हैं और मज़े देते हैं। देखो यही होना चाहिए ज़िंदगी में, तुम्हें मज़े लेने चाहिए और मज़े देने चाहिए, बस दैट्स इट। देखो किसी को भी पसंद नहीं है तुम्हारे साथ बैठ के रोना, बट
सबको पसंद है तुम्हारे साथ बैठ के हंसना, तो सबके साथ हंसो यार, हंसो। और एक छोटी सी चीज़ मेरे को बात करनी थी, मैंने सोचा अब स्टोरी डालूँ मैं उस बारे में, बट फिर मैंने सोचा यार वो स्टोरी ना बहुत लंबी हो जाएगी और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो क्या होता है कि मेरे को तुम्हें पता हो, जिन लोगों को नहीं पता, मेरे को थोड़ी सी एंगजाइटी के इश्यूज़ होते हैं, कि मतलब जैसे अगर मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ ना चीज़ों को, तो ऐसे पेट में वही जैसे मैंने बताया ना बॉल ऐसे धुक 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 करती है मेरी बॉल, ऐसे 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 ऐसे, तो वो बहुत गलत सीन रहता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे बहुत लोग मुझे पता है एंगजाइटी की प्रॉब्लम्स है, मेरा इतना सीरियस नहीं है, मतलब मेरे को ऐसे पैनिक अटैक्स नहीं होते कि पसीने पसीने हो गए, मेरे को ये तीन चीज़ होती है मेरे को, एक होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसे सांस फूल जाती है ऐसे ऐसे, ये चीज़ होती है मेरे को। दूसरी चीज़ होती है कि भाई नर्वसनेस, जैसे सोचो तुमने कोई कांड किया और तुम पकड़े गए, फिर जो फीलिंग आती है ना कि टीचर ने पकड़ लिया, वो फीलिंग तुम्हें पता है ना कि ऐसे बिल्कुल सुन हो जाता शरीर, अरे अब तो गए, तो वो वाली ऐसे वो वाली बिल्कुल फीलिंग आती है, पूरे बॉडी में ऐसे वो वाइब्रेट करती है फीलिंग। तो उसका मैंने कि जैसे एक बहुत सही सोल्यूशन है कि तुम प्रेयर्स करो, मतलब ऐसे नहीं, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं गायत्री मंत्र, तुम लोगों को बताओ गायत्री मंत्र होता है, तो मैं उसे 5 बार बोलता हूँ सरप्राइजिंगली। देखो मैं ऐसे प्रेवे करने का इतना शौकीन नहीं हूँ, बट सरप्राइजिंगली वो हेल्प करता है, तुम अगर गायत्री मंत्र को ऐसे 5 बार बोलोगे तो वो हेल्प करता है समहाउ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब तुम ऐसा हो ना तो पानी पियो भर भर के, गर्म मतलब ठंडा मत पीना, गर्म पानी, गर्म मतलब नॉर्मल पानी, गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल पानी ऐसे रखो हिसाब। तो ये दो चीज़ें उससे काम होती है। और तीसरी चीज़ है कि तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, अपने तुम दोस्त को कॉल कर लो, आई वुड से पेरेंट्स को कॉल करो, फिर तुम रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे चीज़ों को बोलने में, बट अपने दोस्तों को कॉल कर लो, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर लो, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लो, जिसको कॉल करना है उसको कॉल कर लो, थोड़ा ऐसे बात कर लो आसपास की, वो अपनी दुख शेयर कर लेंगे, तुम अपने दुख शेयर कर लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कब में तुम नॉर्मल हो गए। बढ़िया, बिल्कुल कतई बढ़िया, जो समय बिक जाएगा भाई, बट साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊं 200 में बिक जाएगा। एनीमे के ऊपर वीडियो क्या बनाऊं भाई, एनीमे का कैसे रोस्ट करूं मैं, कैसे ऐसे पीछे से लड़की चिल्ला रही है ऐसे, क्या 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 डायलॉग है उसके अंदर, मैं कोई ब्लीच देख रहा था मैं, कुरुसाकी ऐसे ऐसे बिल्कुल ना बिल्कुल उसके अंदर एनीमे में लड़कियां बिल्कुल ऐसे कुरुसाकी कुरुसाकी, मतलब एक ही डायलॉग है उस लौंडिया का, कुरुसाकी कुरुसाकी कुरुसाकी, उसका बस एक ही डायलॉग है और वो बार बार बोलती रहती है, लौंडा लड़ रहा है विलन से बार बार, और जैसे ही उसने क्या कहते हैं विलन ने एक थप्पड़ मारा, एक मुक्का मारा हीरो को, कृषकिक तू क्या कर रही है यार, उसे बोल के वो क्या कर रहा, वो और उल्टा देख के देखता और उस तरफ, ये क्यों मेरा नाम ले रही है, उसके चक्कर में उससे मुक्के तरह लग जाते हैं भाई, हीरो को ही डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। हेंटाई देखो ये आ गए ना लौंडे कतई हरामी, हेंटाई देख लो भैया, हेंटाई दिखा दे तुम्हें, है हेंटाई देख लो तुम तो भाई, रोडिस को रोस्ट कर, रोडिस को, अरे रोडिस तो यार प्यार है। करीब रेजिडेंट ईविल की स्ट्रीम कब करोगे, रेजिडेंट ईविल की स्ट्रीम मैं सारी खेल चुका हूं यार, हु इज योर गर्लफ्रेंड, माय वर्क इज माय गर्लफ्रेंड भाई, उसको पीछे से कोई मजा दे रहा होगा, तुम पे ना तुम बहुत हरामी हो सबके सब, ठीक है बहुत हरामी हो तुम सबके सब, बहुत जोर से हरामी हो, समझो मेरी बात, ये हरामी हरकतें ना ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी तुम मेरा कमरा देख लोगे ना तुम कहोगे ये क्या बकचोदी मचा रखी है, देखना चाहोगे मेरा कमरा, डू यू वॉन्ट टू सी माई कमरा, डू यू वॉन्ट टू सी माई कमरा, टाइप hashtag yes in chat if you want to see my camera, if no मैं तब भी दिखाऊंगा यार, ये कैसी बातें हैं, रुको, क्या हाल है सर अंकुर जी, क्या हाल है भैया, एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, हाँ तो ये कमरा हो रखा है, ये ऐसे ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, ओ शिट मेरे वॉइस कट रही होगी सॉरी, हाँ ये ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है मैंने, वहाँ पर पजामा पड़ा है, किसका पजामा है ये पजामा किसका है बे, ये जूम इन होता है क्या इंस्टाग्राम में ऐसे करके यार, वो होता है बहुत जोर से होता है, ये पजामा किसका रखा है, आई डोंट नो, मैं अभी अभी जस्ट आया हूँ,
कमरे में। अबे अब यार ये जूम आउट नहीं हो रहा है, ये मेरे को ना कभी भी समझ में नहीं आता है। लोग ना ऐसे स्टोरी बनाते हुए ना ऐसे दूसरा ऐसे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा कैसे खोल देते हैं, मेरे से आज तक नहीं होती वो चीज़, बहुत गलत सीन है। और अभी मैं तुम्हें बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब तुमसे रिलेटेड है, बिल्कुल तुमसे रिलेटेड है, तुम कहोगे वाह क्या बात कही है। ये देखो मैं, मेरा बेड है ना जो, ये मेरा बेड है, तो ये बिल्कुल ना ऐसे चिपका हुआ था इससे दीवार से, बट ये अब चिपका हुआ नहीं है। मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, किसी में इतनी जान नहीं है जो इस बेड को हिला सके, मेरे में खुद नहीं है इतनी जान कि मैं इस बेड को हिला सकूं, बट ये किसने हिलाया है आई डोंट नो किसने हिलाया, बट अच्छा नहीं लगता यार ऐसे बेड हिला दो तुम। मैं बाय द वे यहां पर सोता नहीं हूं, बहुत लोगों को लगता है मैं कमरे में सोता हूं अपने, नहीं एक्चुअली मेरा जो घर है तो ये से फर्स्ट फ्लोर बोलूँगा सेकंड फ्लोर बोलूँगा, मतलब उसके नीचे एक और है, मैं मतलब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हूँ फिर मैं इस कमरे में आता हूँ, तो ये फर्स्ट फ्लोर हुआ सेकंड, फर्स्ट फ्लोर हुआ ना आई थिंक, नहीं लेकिन वो तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर बेसमेंट अलग बैंक चो, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में क्या फ़र्क है, बेसमेंट में गर्मी ज़्यादा लगती है। हाँ तो ये फर्स्ट फ्लोर है तो इसके अंदर क्या सीन है कि मैं यहाँ सोता नहीं हूँ, मैं नीचे ही सोता हूँ, जहां काम कर सक कहा जहां काम करते ना वहां सोते नहीं है, समझ रहे हो, वो होता नहीं है कभी भी। हिला दिया होगा, किसने हिला दिया होगा भाटी, भाटी अंडरस्कोर 1102 किसने हिला दिया होगा, है काय ने हिलाया, काय ने ना हिलाया भाई, मैं बता रहा हूं ये भूतों के काम हो रहे हैं। मैंने एक बार मैं बताऊं, एक मूवी देख रहा था मैं, ठीक है, उसको हॉरर मूवी, मेरे को बहुत पसंद है हॉरर मूवी देखनी, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को डर लगता है, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता है इसलिए मुझे पसंद है हम, क्योंकि जब हम मैं जैसे मेरी पूरी फैमिली बैठ के जब हॉरर मूवी देखती है ना हमारे लिए वो कॉमेडी हो जाती है समझ रहे हो तुम, हमें आधे से ज़्यादा टाइम पता ही होता है क्या होने वाला है लेकिन तब भी हम देखते हैं और अच्छे से तुम मान लो रोस्ट ही करते हैं हम उन मूवीज़ का। तो मैं एक मूवी देख रहा था हॉरर, तो मैंने ऐसे बोल दिया ये क्या है ये भूत भूत क्या क्या बकवास चीज़ है ये भूत भूत, मैंने ऐसे कोई डायलॉग मारा होगा शायद,